हाउ टू सेंड इंटरनेशनल एसामिस, अंतर्राष्ट्रीय एसामिस कैसा भेजे जियो प्रीपेड सिम कार्ड से। आज के इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग जियो प्रीपेड सिम कार्ड लेके आया बाहर देश में, कोई भी कंट्री में आप लोग इंटरनेशनल आउटगोइंग मैसेज करना चाहता है इंडिया में, और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा पैक डालने के बाद आप लोग जियो प्रीपेड सिम कार्ड से इंटरनेशनल मैसेज एसामिस भेज पाएंगे इंडिया में, कोई भी नंबर पर, चाहे जियो हो, वोडाफोन हो, BSNL हो और भी एयरटेल हो, ठीक है, कोई भी सिम कार्ड पर आप लोग आउटगोइंग मैसेज कर सकते। आज का इस वीडियो में जानेंगे कौन सा पैक डालने के बाद आप लोग आउटगोइंग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जियो प्रीपेड सिम कार्ड बाहर देश में लेके आया, एक्टिवेट कर नहीं पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा लिंक है, हर एक कंट्री के बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जाके देख लीजिए पूरा। अगर वॉच करेगा ना आप लोग 100% जियो प्रीपेड सिम कार्ड एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा इंटरनेशनल मैसेज कैसा भेज सकते हैं कौन सा पैक डालने के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माई जियो ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोग ने इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करके और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इंटरनेशनल में, जो इंटरनेशनल से आप कैसा मैसेज भेज सकते हैं जियो से, जियो सिम कार्ड से, ठीक है, कौन सा प्लान डालेगा तो आपको जियो सिम से मतलब आउटगोइंग एसएमएस आप इंडिया में भेज सकते हैं। कोई भी कंट्री में आपने जियो सिम कार्ड लेके गया, मैसेज करना चाहते हैं आप जियो प्रीपेड सिम कार्ड से, तो कौन सा प्लान डालने के बाद आप इंटरनेशनल से मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। आप यहां से भी बैठे बैठे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर जियो ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप वेबसाइट गूगल पर जाके, वेबसाइट पर जाके भी jio.com लिखेगा तो उसको ऑफिशियल साइट से आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो माई जियो ऐप से क्योंकि काफ़ी सारा फ्यूचर मिल जाता है, ये अपना जियो का ही है, आपका सिम कार्ड के विषय में सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पर शो होता है और सब कुछ आपको पता चल जाता है क्या प्लान है, कौन सा प्लान है। इसीलिए माई जियो ऐप एक बार एक्टिवेट कर लिया आपने, सारा चीज़ यहाँ से हैंडल कर सकते हैं इंटरनेशनल से। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे आप लोग, बाई पर मैं क्लिक करता हूँ और ये काफ़ी कभी कभी कर अपडेट होते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ये सब सारा प्लान यहाँ पर दिखाई देता है आपको, स्क्रॉल करने का लेफ्ट साइड पर जाने का, और यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग पर जैसा जाएंगे और यहाँ पर देखिए कौन सा प्लान है जियो का, जो मैं अभी बताऊँगा आपका, ये हर एक कंट्री में एलिजिबल है, ठीक है। जो 150 कंट्री में, जो भी कंट्री में आप लोग जियो सिम प्रीपेड सिम कार्ड लेके गया और SMS कर नहीं पा रहा है, और इस पैक को डालने के बाद आपको मैसेज कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। जैसे कि मैं पकड़ लेता हूँ, मैं USA ले लेता हूँ और यूनाइटेड ले लेता, अरब एमिरेट, श्रीलंका, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ले लेता हूँ, कैनेडा ले लेता हूँ, मेन जगह ले लेता सिंगापुर, सऊदी अरब, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएई में ले लिया। तो ये सब मेन जगह पर मैंने ले लिया, क्लिक कर दिया, देख पा रहा है आप, मेरा सामने जो आया 1100 का जो पैक है, मैं इसके विषय में मैं हमेशा ही बताता रहता आप लोगों को, ठीक है। ये जो है हर एक कंट्री के लिए काम करता है, इसलिए मैं इस पैक को हमेशा बताता रहता आप लोगों को। जैसे कि इस पैक डाल देंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैसेज करना चाहते हैं आप लोग इंडिया में इंटरनेशनल से, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई हम लोग आउटगोइंग मैसेज भेज नहीं पा रहा हो इंडिया में, ठीक है। आउटगोइंग मैसेज भेजने के लिए जो ये जो सबसे बेस्ट प्लान, व्यू डिटेल्स पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देख पा रहे आप लोग, उसमें आपको जैसे कि 1100 डाल देंगे, डालने के बाद 933.90 रुपये आपको बैलेंस मिल जाता है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा पैक डालने का ज़रूरत नहीं। उससे आपको मैसेज का चार्ज काटना शुरू होता है, ठीक है। और ये 28 दिन के लिए ISD SMS, इसमें क्या लिखा है ISD SMS, मतलब 5 मैसेज आप जो 5 मैसेज कर सकते फ्री में, ठीक है, इंटरनेशनल से 5 मैसेज जैसे आप भेज देंगे, भेजने के बाद आप बाद में आपको पर SMS 2 रुपया से चार्ज काटना शुरू होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग हिसाब से मैसेज चार्ज काटता है, ठीक है। तो आप लोग जाके आप लोगों को चेक करना है, ये जो मैंने चेक किया यहाँ पर
मतलब ये बता रहा है कि 5 असामीस आप इंटरनेशनल से फ्री में भेज सकते हो। उसके बाद हर एक कंट्री से अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, 2 रुपया से स्टार्ट होता है। जैसे कि यूए में, यूएसए, कनाडा, ये सब से 2 रुपया से चार्ज होता है, ठीक है। और बाकी कंट्री का आप लोग देख लीजिए कितना करके, ये जो पैक है आप डाल देंगे एक बार, आप इंटरनेशनल से मैसेज कर सकते, ठीक है। ये 1102 का जो है हर एक कंट्री में काम करता है। यहाँ पर भी लिखा है ग्लोबल पैक विथ वाईफाई कॉलिंग एप्लीकेबल इन 150 कंट्री, ठीक है, वहाँ पर ऊपर लिखा है। तो ये 150 कंट्री में काम करता है, साथ में आपको वाईफाई कॉलिंग मिलेगा। फिर यहाँ जी ये इस सिम कार्ड से, जो इस नंबर से आप जिस नंबर में आप डालेंगे उसी नंबर से बहुत ही सस्ता कॉल रेट भी कर सकते हैं इंडिया में, और इनकमिंग कॉल भी आएगा आपका मोबाइल में। उसके बाद आपका जो मैसेज, तो जियो का एक बार एक्टिवेट होने के बाद फ्री रहता है, ठीक है। जियो एक बार एक्टिवेट हो गया तो इनकमिंग मैसेज फ्री है, लेकिन आउटगोइंग मैसेज करने के लिए कुछ चार्ज आपको जो मैंने बताया। उसके बाद ये जो पैक है 1101, ये पैक भी डला सकते हैं, सेम है, इसमें खाली वाईफाई कॉलिंग नहीं है। ये पहले का बहुत ही पुराना प्लान है, ठीक है। तो देख पा रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं आप लोगों को बताया, ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ से अगर कॉल करेगा 2 रुपया मिनट, 2 रुपया 2 रुपया सब बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर और नीचे आउटगोइंग मैसेज, आपको बोला ना 5 मैसेज भेजने के बाद 2 रुपया पर ऐसा में चार्ज काटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी 2 रुपया मैसेज का चार्ज लगेगा, देख पा रहे हैं आप लोग। और बाकी कंट्री का भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर एक हटा देता हूँ, ये देखिए कनाडा, कनाडा से भी मैं बोला ना आप लोगों को मैसेज, आउटगोइंग मैसेज चार्ज 2 रुपया करके लगेगा। और बाकी भी देख लीजिए, 2 रुपया मिनट, 2 रुपया मिनट। उसके बाद आ गया और दूसरा मैं दिखाता आप लोगों को, उसके बाद नीचे सऊदी अरब, देख सऊदी अरब से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज है, देख पा रहे हैं आप लोग। सऊदी अरब से अगर आउटगोइंग मैसेज करना चाहता है पर SMS 10 रुपया SMS चार्ज लगेगा। और बाकी देख लीजिए, मिनट में 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया मिनट में चार्ज लगेगी अगर कॉल करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ऐसा मैं जैसा बता रहा, आप लोग ऐसा चेक कर सकते हो, कोई भी कंट्री में आप लोग गया जियो सिम प्रीपेड सिम कार्ड लेके आपको मैसेज करना है, जैसे मैं बताता हूँ बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा आउटगोइंग मैसेज कैसा कैसा चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर और एक बात आता है, बहुत सारे लोग पूछेगा भाई हमको तो कैसा मैसेज, ये जो पैक आप डाल देंगे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैक डालाने का ज़रूरत नहीं, इससे आपको हर एक चीज़ शुरू हो जाएगा। अगर ख़त्म हो गया, इसमें 933 रुपया बैलेंस मिला उससे ख़त्म हो गया, तो बाद में आप टॉपअप डालेंगे तो नहीं होगा, वही पैक डालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक पैकेज होता है, ठीक है। तो उसी से आपको इंटरनेशनल हर एक कुछ मैनेज होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे आप लोग, मैं सिंगापुर के लिए किया तो क्लिक किया तो सिंगापुर से भी 2 रुपया ऐसा मिसार, बाकी सब 2 रुपया मिनट, 2 रुपया मिनट में चार्ज शुरू होता है। और यहाँ पर सिंगापुर हटा देता हूँ, अभी यूनाइटेड किंगडम जो यूरोप कंट्री का, जो यूनाइटेड लंदन की, वहाँ से भी आप लोग पर SMS 2 रुपया मैसेज, सेम 2 रुपया से शुरू होता है आउटगोइंग मैसेज, और बाकी 2 2 2 मिनट, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोग मतलब ये जो पैक है यहाँ से भी रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ और ये लेके जाएगा, बोलेगा मैं ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा मेरा जो माई जियो, और जियो देखो देख पा रहे आप लोग, एक बार एक्टिवेट कर लिया तो आप कहीं से भी कोई भी कंट्री से आप बैठे बैठे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मोबाइल में OTP नहीं मिल रहा है और आपने मोबाइल लेके गया कोई भी कंट्री में, ठीक है, और आपका भीम UPI एक्टिवेट है, ठीक है, तो भीम UPI से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भीम UPI एक बार एक्टिवेट कर लिया आपने, कोई भी OTP का ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं भीम UPI में क्लिक करता हूँ और पे भीम भीम पर ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ क्या ये ऑटोमेटिक लेके जाएगा भीम, मेरा भीम में, ठीक है। जो पासवर्ड डालना बोलेगा और अंदर का जो प्रोफाइल जो जो ट्रांसफ़र हो गया, ये जो ऐप का मैं फिंगरप्रिंट से भी खोल देता हूँ और चाहे इसमें से भी पासवर्ड डाल के भी खोल सकते हैं, ठीक है, इसमें OTP का ज़रूरत नहीं। जैसे मैं पासवर्ड डाल दूँगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ से कट जाएगा, कोई
कुछ भी ओटीपी का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक से डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको ओटीपी का ज़रूरत पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर ही एक्टिवेट नहीं है तो कैसा होगा। तो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, सेंड पर मैं जैसे क्लिक करूँगा जियो प्रीपेड रिचार्ज, देख पा रहा है 1102 सेंड, और सेंड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी यहाँ पर जैसे कि मेरा पासवर्ड डाल दूँगा तुरंत ही रिचार्ज हो जाएगा, कोई कुछ भी ओटीपी का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया है कि भीम यूपीआई एक बार आपने एक्टिवेट कर लिया, और करने के बाद ही आप उसके बाद आप एक बार एक्टिवेट कर लिया तो आप में मतलब रिचार्ज करने के लिए बाहर देश से बहुत ही आसानी हो जाता है। तो बस इतना ही था आज का इस वीडियो, और चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।